वाह भैया कैसे ब्लैक एंड व्हाइट कर रखा है, कलर चेंज करूं, रिमोट है मेरे पास। ये ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। गाइस आप जानते हो भाई, यह है रिमोट, ठीक है। ये टीवी का भी हो सकता है, एलसीडी का हो सकता है, भैया दोनों एक ही तो बात है। डीटीएच का भी हो सकता है, कार का हो सकता है, अलग टाइप के रिमोट आते हैं। अब गाइस प्रॉब्लम यह है कि भाई इसके अंदर डलते हैं सेल। देखिए ये बैटरी, तो गाइस ये मैं हर महीने 15 दिन में चेंज करनी पड़ती है। गाइस क्या होगा हम एक ऐसी बैटरी लगा दें जो भाई कभी भी डाउन ना हो, कभी बैटरी लो ना हो, आपको चेंज ही ना करनी पड़े लाइफ टाइम, और फ्रेंड्स आपको खर्चा ना के बराबर हो। तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम भाई लाइफ टाइम बैटरी लगाने वाले हैं। तो गाइस वीडियो बहुत मस्त होने वाली है, और गाइस आपने आज तक यकीनन ऐसा जुगाड़ नहीं देगा किसी भी टीवी के रिमोट में। प्लीज बने रहेगा वीडियो में, चलेगा, चलते अपने टॉपिक पर। समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा जो रिमोट है वो वर्किंग है या नहीं है। तो भैया इसके लिए हमने अपना मोबाइल और वीडियो पे लगा दिया है, ठीक से। तो आई होप आपको दिख जाए, देखिए कोई बटन पुश कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ, देखिए ये काम कर रहा है, ठीक है। तो भैया हमारा जो रिमोट है वो अच्छे से काम कर रहा है। जल्दी से इसे खराब करते हैं, मतलब ठीक करते हैं यार। खराब तो हम बचपन में क्या करते थे, अब तो हम ठीक करते हैं। कहते यार पेचकस ना खोल के भाई, किसी कार्ड से खोलो वरना देखिए इसमें छोटे छोटे निशान पड़ जाते हैं। बस हो गया। तो भैया इसे फिलहाल हम इसकी जो किट है ये बोर्ड को निकाल लेंगे और इसे भी निकाल लेंगे। सब चीजें निकाल ली, अब देखते हैं भाई इसके अंदर कितना स्पेस बच रहा है। काफी स्पेस है यार अभी, मतलब काफी ज्यादा स्पेस है इसके अंदर। तो भैया अब यहाँ पर लेंगे N20 गियर मोटर। हर चीज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बॉस। हिलाता क्यों रे? ठीक है, एकदम से जोश आ गया था, सुबह खाना खाया था, अब एनर्जी आई उसमें। गाइस अप्रोक्स 30 से 40 आरपीएम का होगा। खैर तो भाई साहब इस गियर मोटर को हम इसकी बॉडी में फिट करेंगे। अगर आपके पास ये वाला मोटर नहीं है टेंशन लेने का, आप इस तरह कोई मोटर गियर मोटर इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड दिक्कत है कि भाई बड़े बहुत है। और गाइस लगाएंगे कैसे, देखिए हम इसे ऐसे पकड़ेंगे तो गाइस हम इस साइड लगाएंगे। तो भाई मैं निकालता हूँ, मुझे इस साइड में लगाना है, यानी कि उल्टा करता हूँ। तो गाइस मुझे इस साइड से फिट करना है, देखिए काफी अच्छे से फिट हो जाएगा। इसकी हमें थोड़ी सी कटिंग वटिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस थोड़ा बड़ा होल किया मैंने जिससे भाई आसानी रहे, ठीक है। इसे फिट करते हैं। वैसे मैंने नाप तोल के किया, naptol.com। भाई ये बहुत मस्त फिट आया, इसकी फिटिंग देखिए क्या मस्त लग रहा है, मतलब मस्त लग रही है। और भाई मैं इस ढक्कन को कैप को भी इसमें लगा सकता हूँ। अब भाई इसे देखते हैं कि भाई ये घूमेगा कैसे, इसे मैं घुमाना पड़ेगा ना, जब तो ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो भाई इसमें काफी दिक्कतें हैं। तो गाइस ये रहे 2-way वायर कनेक्टर, और भाई ये फैन का है, आपने देखा होगा इस तरह से, ये इसमें लग तो जाएगा, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। लेकिन हम इसे नहीं लगाएंगे, आप लगा सकते हो, इसमें छोटा है तो छोटे को लगा सकते हो, आपसे लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, है ना, हम थोड़ा डिजाइन बनाएंगे जो थोड़ा सा अच्छा लगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आए, ठीक है। तो भाई आप लगा सकते हो, मैं से रखता हूँ। तो भाई मैं करने वाला हूँ छोटा सा वेल्डिंग। अगर आपके पास वेल्डिंग मशीन नहीं है तो भाई किसी दूसरी जगह करा सकते हो, या आप खुद कर सकते हो, आपके पास है। और भैया नहीं है तो 2-way कनेक्टर का सॉकेट लगा सकते हो। और भाई ये है साइकिल की स्पोक तिल्ली, तो मैं इस पर इस तरीके से वेल्डिंग कर दूंगा। चाहे ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो, ये डिपेंड है कि कितनी नोब बाहर निकली हुई है, और इसे मैं मोड़ना भी है अभी इस तरीके से, मैं जितना भी आप चौका इस यहाँ पर मोड़ सकते हो, जिससे आप इसे चला सको, इतना ठीक है, बढ़िया चल जाएगा, और ज्यादा हमें नहीं मोड़ना है, इतना बहुत है, देख मस्त बिल्कुल। तो गाइस काफी मजबूती से मैंने इस पर मिग वेल्डिंग कर दिया है, आप गैस वेल्डिंग भी करा सकते हैं, बस थोड़ा मोटर के शाफ्ट का ध्यान रखिएगा। वैसे इसके अंदर गियर है पूरा मेटल का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई इसे घुमा के देखते हैं, देखिए बहुत स्मूथ, बहुत मस्त, देखिए। चलो भाई इसे फिट करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे फिट होगा, देखते हैं कि रोड तो जाना चाहिए। हाँ लगता था कि ये हो जाएगा, हो गया। अरे वाह भाई, वाह भाई वाह, मन खुश कर दिया भाई, हो तो गया क्या जी गाइस, भाई बहुत बढ़िया। जब भी रोकना हो यहाँ रोक दो, यहाँ रोक दो, पहले फटाफट से चिपकाते हैं। भाई इसमें मैंने वायर सोल्डर भी कर दिए हैं, नेगेटिव अपोजिट के ध्यान रखते हुए इसे चिपकाते हैं बढ़िया करके। तो भाई साहब इन दोनों पॉइंटों को निकाल लेंगे, ठीक है। वैसे इस पर ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन है, लिखा है, और ये हमारा ठंडू बाम सोल्डिंग आयरन। तो भाई ये तो चुका है कंप्लीट, और काफी अच्छे से फ्री घूम रहा है, और पावर देख लें कितनी बना रहा है। तो भाई ये रहा मल्टीमीटर, और भैया मैंने इसके वायर लगा दिए हैं, और देखते हैं कितने वोल्टेज ये जनरेट कर रहा है, कितनी पावर ये आउटपुट दे रहा है। तो 0 पे सेट है, लाइट जला दो अगर जल जाए तो। देखिए गाइस वाओ, देखिए देखिए 3.5 वोल्टेज, बहुत बढ़िया, ठीक है छोड़ता हूँ, देखिए आपके सामने बिल्कुल, देखिए देखिए कम जला तो कम, तेज करो, देखिए तेज, तो 3-4 वोल्ट में चाहिए, बहुत मस्त काम कर रहा है। कैसा काम करेगा तो फ्रेंड्स ये तो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। यहाँ पर काफी लोग सोच रहे होंगे, समर भाई तू इसे डायरेक्ट पावर देगा, ऐसा मोटर चलाएगा, पावर जनरेट होगी और भाई ये चलेगा। देखिए फ्रेंड्स ऐसा भाई काम नहीं होगा, है ना, आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। तो गाइस हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि फ्रेंड्स बैटरी भी ना हो और पावर को स्टोर भी कर सके। तो गाइस यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं कैपेसिटर, सुपर कैपेसिटर नहीं, सिंपल कैपेसिटर है, और भाई कोई सा भी यूज कर सकते हो। ये 25 वोल्ट 2200 माइक्रो फैराड का, और भाई ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये है 25 वोल्ट 4300 माइक्रो।
फ्राइडे का, ठीक है। तो भाई हम थोड़ा बढ़ाई ले लेंगे और भाई इसे करेंगे मोड़ेंगे और भाई देखिए ये बिल्कुल फिक्स आएगा इसके अंदर। तो गाइस ये पावर स्टोर करेगा जब इसे चलाएंगे और भाई ये रिमोट को चलाएगा। लेकिन फ्रेंड्स प्रैक्टिकली कितना काम करेगा ये आपको वीडियो को लास्ट पता लगेगा, हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। फिलहाल इसे लगाते हैं गाइस, ये बैटरी नहीं लेकिन बैटरी से काम जरूर करेगा। और गाइस यहां पर हमें एक डायोड IN4007 का यूज करना पड़ेगा। तो गाइस मोटर की पावर कैपेसिटर में जाए ठीक है, लेकिन वापस ना आए इसके लिए गाइस हम यूज करेंगे डायोड का। तो भाई ये रहा इसका नेगेटिव, नेगेटिव जोड़ दिया है और ये इसका पॉजिटिव, ठीक है, इसमें आराम से आ जाएगा। भाई यहाँ देखिए भाई, अब मैंने वायर सोल्डर कर दिए हैं और देखिए यहाँ पे एक डायोड लगा दिया है। देखिए ये रहा, यहाँ पर सिल्वर की लाइन देख सकते हो, ये लगा था सीधा कैपेसिटर पे। अगर इसकी पावर सीधा मोटर में जाएगी, मोटर की पावर सीधा इसमें आ जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो भाई हम इसको बैटरी की तरह यूज करेंगे। और भैया कनेक्शन कर दिए इसके देखिए, ठीक है, सीधा कैपेसिटर से सीधा फिट में लगा दिए, बोर्ड में लगा दिए और भाई इन दोनों के बीच में लगा दिए एक डायोड। फटाफट करते हैं पैक, देखिए पहले मैंने निशान लगा लेते और भैया से कर दो फिक्स लीजिए भाई। तो गाइस हमारा रिमोट कंप्लीट हो चुका है, मैं थोड़ा सा ढक्कन लगाता हूँ, थोड़ा सा ठीक आ रहा है जो बात है। और गाइस पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, देखिए इस तरीके से अगर आप इसे यहाँ रखोगे तो भाई दिक्कत होगी, यहाँ लगेगा तो आप इसे यहाँ रखें बस। तो गाइस आप इसे इस तरीके से चला के चार्ज कर सकते हो, देखिए बहुत ही स्मूथ चल रहा है, बहुत बढ़िया रे। इस टाइम गाइस कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है, जो गाइस हमारे रिमोट को चलाने के लिए बैकअप कर लेगा। बस इसे यहाँ रोक देते हैं, गाइस चला के देखते हैं जल्दी से फटाफट। भैया पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, चलना तो चाहिए। ओ वाओ गाइस देखिए चल रहा है, ठीक है, मैं कोई सा बटन दबा सकता हूँ, देखिए देख कोई सा बटन पुश करता हूँ तो आराम से ये काम कर रहा है, बढ़िया बहुत बेहतरीन, ठीक है। गाइस रख रहे कि ये डाउन हो जाएगा, जैसा आपने यहाँ रख दिया, ठीक है, और भाई आपने कोई भी अपना नट वटर नहीं देखा, उस रिमोट को आराम से कहीं पर रख दिया, जब आप आओगे तो गाइस आपको डाउन ही मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ऐसे ही बैठे बैठे बस आराम से करते रहो ऐसे इस तरीके से, तो भाई कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा बस, इतने देर में बेहतर हो गया चार्ज और आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हो, देखिए ठीक है, जो बात है बढ़िया काम कर रहा है। चलेगा तो फटाफट देखते हैं भाई कैसा काम कर रहा है विद प्रैक्टिकल, टीवी के सामने चला के देखेंगे। चलिए तो गाइस मैं आपको बिल्कुल लाइव टेस्ट करना है इस रिमोट को, ठीक है, और भाई ये नहीं चल रहा, रुक जाओ बस दो चार बार करो, बैटरी पावर होगी इसकी, हाँ पावर होगी सेव, हाँ देखिए गाइस चल रहा है, ठीक है, देखिए बढ़िया कुछ भी आप देख सकते हो आराम से यहाँ पे, देखिए आपका सामने बिल्कुल लाइव है, देखिए म्यूट कर दिया मैंने, वॉल्यूम इसकी कम कर रखी है भाई जिससे कि कॉपीराइट इशू ना आए, ठीक है, और कुछ भी चला सकते हो, ठीक है, ये रहा प्लस ये रहा माइनस, और ये पता ना कौन से महाराजा भैया हमेशा बैठ रहे हैं टी पे उठते ना इन्हें बाबा से नौ बजे बैठे बैठे, ठीक है, ये बढ़िया काम कर रहा है, ऐसे करते हैं बंद। तो गाइस मुझे भाई इतनी उम्मीद नहीं, इतना मस्त काम करेगा। और फ्रेंड्स एक फायदा और भी होगा, वैसे टीवी आजकल बहुत कम लोग देखते हैं, भाई मैं तो नहीं देखता, देखिए हाँ घर के जो देखते हैं थोड़ा बहुत देगा, वो थोड़ा बहुत और कम देखेंगे, भाई इसका रिचार्ज करना पड़ेगा थोड़ा सा हल्का सा आएगा, तो अपना काम करेंगे। काफी लोग ये भी कहेंगे समर यार अच्छा तुम सेल डाल लेंगे बैट डाल लेंगे, दो महीने खूब चला आराम चलेंगे, अरे भाई एक प्रोजेक्ट है आप चाहो तो बना सकता है, ये ऑप्शनल है, ये फ्रेंड एक आइडिया बताएगा कि ऐसे भी काम किया जा सकता है, ये फ्रेंड्स आपकी मर्जी आप बनाए या ना बनाए, स्पेसिफिक आइडिया जो कि फ्रेंड आपको बताया गया। तो फ्रेंड्स आई होप ये जुगाड़ आपको अच्छा लगा, प्लीज दोस्तों लाइक करें सब्सक्राइब हमारे चैनल को, भाई जरूर बताएं आपकी जुगाड़ कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।